नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अपने ही चैनल स्टडी फॉर एग्जाम्स में। और आज हम लोग बात करेंगे स्टैटिक जीके की, जो हमारी सीरीज चल रही है उसके 12th पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में। स्टार्ट करते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको पेड ग्रुप या पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो ऑल सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम UPSC एंड अदर स्टेट PCS आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके। और UPPSC, MPPSC, BPSC के प्रीलिम्स और मेंस के बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप 8564880530 पे कांटेक्ट करके आप पता लगा सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल के लिए हमारा चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हीट, तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैलोरीमीटर। ऊष्मा को मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है, कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसे बोला जाता है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी कोचीन को बोला जाता है, अरब सागर की रानी कोचीन को बोलते हैं। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स, साउंड और साउंड वेव्स की स्टडी को क्या बोलते हैं एकॉस्टिक्स, ध्वनि और ध्वनि तरंगों का अध्ययन ध्वनिकी कहलाता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स टू डिसीज, ए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस एंड जेरोप्थैल्मिया, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी और शुष्काशिपाक। नेक्स्ट है साउंड लेवल वाले रॉकेट टेकिंग ऑफ, मतलब जब रॉकेट टेक ऑफ करता है तो उस समय साउंड लेवल क्या होता है, ध्वनि का स्तर क्या होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है 130 डेसिबल, 130 डेसिबल। एक रॉकेट को ले जाते समय ध्वनि का स्तर होता है 130 डेसिबल। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज सेलिब्रेटेड, कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। तो नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स इज एट, UNO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो UNO का हेडक्वार्टर है सी न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है वेकअप इंडिया बुक वॉज रिटन बाय, वेकअप इंडिया बुक किसने लिखी है, तो ये है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर ए जागो इंडिया, सॉरी यही होगा इसका, वेकअप इंडिया किसने लिखी है, एनी बेसेंट ने लिखी है। फिर नेक्स्ट है फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस टॉकिंग ATM फॉर डिसेबल पर्सन, तो पहला इंडिया में कौन सा बैंक था जिसने टॉकिंग ATM डिसेबल्ड पर्सन के लिए प्रोवाइड करवाया था, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर है ए यूनियन बैंक, विकलांग व्यक्तियों के लिए बात करने वाले ATM का परिचय देने वाला पहला बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक नेम्ड प्रथम ग्रामीण बैंक वॉज स्टार्टेड बाई, ये किसके द्वारा की गई थी, सिंडिकेट बैंक, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम ग्रामीण बैंक नाम का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा शुरू किया गया था, सिंडिकेट बैंक, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। फिर नेक्स्ट है आपका फर्स्ट इंडियन बैंक टू स्टार्ट विद इंडियन कैपिटल, पहला इंडियन बैंक जिसने इंडियन कैपिटल के साथ स्टार्ट किया था, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय पूंजी के साथ शुरुआत करने वाला पहला भारतीय बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। फिर नेक्स्ट है फर्स्ट बैंक इन इंडिया लिस्टेड इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, कौन सा बैंक है आपका, ऑप्शन नंबर सी ICICI, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भारत का पहला सूचीबद्ध बैंक है ICICI बैंक। फर्स्ट एशियन टू रिसीव नोबेल पुरस्कार, ये आप सब लोग जानते होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के लिए इन्हें मिला था 1913 में, अप्रॉक्सीमेटली यही होगा। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई थे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो नेक्स्ट है नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया, कितने एयरपोर्ट हैं इंटरनेशनल, तो है 21 है इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ईयर इन विच अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया, अलेक्जेंडर ने कब भारत पे आक्रमण किया था, तो इसका है ऑप्शन नंबर सी 326 BC, सिकंदर ने भारत पर हमला करने वाले वर्ष में किसका प्रतिनिधित्व किया था, मतलब किस वर्ष आक्रमण किया था, 326 ईसा पूर्व, इसमें है ऑप्शन नंबर सी, ओके। फिर नेक्स्ट है खैबर पास इज इन, खैबर पास कहाँ पे, तो खैबर पास है आपका डी अफगानिस्तान में, खैबर दर्रा है अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन वॉज, यूनाइटेड नेशन का पहला सेक्रेटरी जनरल कौन था, तो ये था आपका ऑप्शन नंबर बी ट्राइलेव, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे ट्राइलेव। फर्स्ट मिनिस्टेरियल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टुक प्लेस, कहाँ पे हुई थी,
तो हुई थी ये आपकी डी, ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की पहली मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी सिंगापुर में। नेक्स्ट है द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज, इंडिया के हाई कोर्ट के पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी, तो इसमें है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज लीला सेठ ने, इसमें भारत के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट है द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इज हेल्ड बाय, ये आपका ऑप्शन नंबर बी नाथन एस्टले। सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला विश्व का रिकॉर्ड किसके पास है, नाथन एस्टल के बाद। तो ये थे दोस्तों टॉप मोस्ट 20 अपडेटेड क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।